मुंबई के ताजमहल पैलेस होटल में करेंसी बदलने के नाम पर में ठगी। मुंबई के ताजमहल पैलेस होटल में ठगी का मामला सामने आया है। बेहद चालाकी से आरोपी ने कैशियर से 42,000 रुपए ठग लिए। फिलहाल कोलाबा पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज होने के बाद आरोपी की तलाश की जा रही है। ठगी की पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसके आधार पर पुलिस आरोपी को पहचाने की कोशिश करेगी। बताया जा रहा है कि होटल के कैशियर से आरोपी ने 1000 यूएई की करेंसी बदलने की मांग की, जब कैशियर ने चेंज देने से मना कर दिया और कहा कि आप यहां होटल में ठहरे नहीं हैं तो आपको चेंज नहीं दे सकता। उसके बाद आरोपी ने खुद को यूएई का नागरिक बताकर वहां मौजूद 2000 के नोट के बंडल को देखने की बात कहने लगा। आरोपी ने दो हजार रुपयों के उस बंडल को उठाकर उसमें बड़ी सफाई से दो हजार के 23 नोट पार कर दिए और वहां से चला गया। देर रात रुपयों की काउंटिंग के दौरान कैशियर को यह ठगी की बात समझ आई। फिर सीसीटीवी में देखने के बाद पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई।